मेरे सेयन वॉरियर सबसे कूलेस्ट बहुत ही इजी टू मेंटेन जबरदस्त ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स की बात करेंगे आज की वीडियो में, जो बिना टीचर से आपको मार खिलवाए स्कूल और कॉलेज में आपको नेक्स्ट लेवल अट्रैक्टिव दिखाएंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में इन्हीं ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स के साथ तीन जबरदस्त फैशन ट्रेंड्स भी बताऊंगा, जो स्पेशली इन हेयर स्टाइल्स के साथ बहुत मस्त लगेंगे। तो टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल मॉडर्न लुकिंग दिखने के लिए ये पूरी वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखना। बेसिकली वीडियो में मैं जो भी हेयर स्टाइल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा उनमें से मोस्ट ऑफ द हेयर स्टाइल्स एक बहुत ही कॉमन टाइप की हेयर कट, यानी कि जिसमें आपके साइड्स काफी ज्यादा छोटे या फिर फेडेड रहेंगे, और जो आपका टॉप का रीजन होगा वो थोड़ी बड़ी या फिर मीडियम लेंथ का हो सकता है आपकी चॉइस के हिसाब से, इस हेयर कट पे बेस्ड होंगे। प्लस आजकल मैसी कर्ली हेयर स्टाइल्स का काफी ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं और आपको उनको कर्ली करने हैं तो आपके मीडियम लेंथ के बालों को आप स्प्रेयर की हेल्प से हल्का गीला करके उन्हें सेक्शंस में डिवाइड करना, फिर उन्हें टॉप से लेकर बॉटम तक अच्छे से ट्विस्ट करना, उनमें प्रॉपरली रबर बैंड अप्लाई करके उनको मोड़ देना, बाकी के बालों को भी आप रबर बैंड की मदद से ऐसे ही ट्विस्ट कर देना और फिर पूरी रात तक के लिए छोड़ देना। अगले दिन सुबह उठ के रबर बैंड्स को हटा लेना, आपके बाल कर्ली या फिर वेवी हो जाएंगे। ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स की बात करते हैं, नंबर फर्स्ट है फ्रेंच क्रॉप कट। ये मीडियम लेंथ की हेयर स्टाइल साइड्स में से फेडेड और टॉप एरिया में थोड़ी फ्रिंजी या फिर मैसी रहेगी, जो कि बेस्ट है थिक थिन और स्पेशली रिसीडिंग हेयरलाइन वाले बंदों के लिए। नंबर सेकंड साइड पार्ट विद फेड। इस क्लासिक इजी टू पुल ऑफ हेयर स्टाइल में आपके बाल एक साइड पे टिल्टेड रहेंगे और टिल्टेड बालों के अपोजिट साइड वाले बाल आप फेडेड रखवाना, प्लस दोनों के बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन भी होगी अगर, तो उससे आपकी हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा जबरदस्त लगेगी। ये हेयर स्टाइल फॉर्मल ओकेजन पे इंस्टीट्यूशन पे बेस्ट लगती है। नंबर थर्ड कर्ली अंडरकट हेयर स्टाइल। इसमें आपके टॉप रीजन पे मीडियम लेंथ के कर्ली या फिर वेवी हेयर रहेंगे एंड जो दोनों साइड्स होंगी वो बिल्कुल छोटी लेंथ की रहेंगी, जिससे टॉप और साइड्स के बालों में अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा एंड ये स्टाइल और भी ज्यादा जबरदस्त लगेगी। ये हेयर स्टाइल एवरीडे कैजुअल आउटफिट्स के साथ बेस्ट लगती है। नंबर फोर्थ क्विफ हेयर स्टाइल। इनमें भी आपके बाल साइड से शॉर्टर बट आपके टॉप के एरिया का हेयर वॉल्यूम हल्का सा टिल्टेड और आगे की तरफ बल्ज्ड अप होता है, जिससे ये एक प्रॉपर क्विफ हेयर स्टाइल बन जाती है। ये फॉर्मल कैजुअल हर आउटफिट के साथ अच्छी लगती है। आप चाहे तो स्ट्रेट बालों की जगह मैसी क्विफ हेयर स्टाइल भी रख सकते हैं। नंबर फिफ्थ फेड हेयर स्टाइल विद अ डिजाइन और कट। इसमें आपके टॉप पे तो मीडियम या फिर शॉर्ट लेंथ के बाल रहेंगे बट साइड्स में अच्छी खासी फेडिंग के साथ आपके एक सोबर सा डिजाइन या फिर कट भी रहेगा, जो कि हेयर स्टाइल को एक काफी ज्यादा एजी वाइब दे देगा। बट ये जो कट या फिर डिजाइन आप बनवाओगे ये बिल्कुल सोबर होना चाहिए, छपरी नहीं दिखना चाहिए। ये हेयर स्टाइल कैजुअल आउटफिट्स के लिए बेस्ट है। नंबर सिक्स शॉर्ट मिडिल पार्ट फेड हेयर स्टाइल। इसमें आपके साइड्स और बैक के बाल छोटी लेंथ के रहेंगे बट टॉप की साइड में आपकी लेंथ रहेगी मीडियम, प्लस उसमें मिडिल के थोड़े से साइड में एक अच्छी खासी प्रोमिनेंट पार्टिंग भी होगी, जो इस हेयर स्टाइल को काफी ज्यादा कैजुअल कूल बना देगी। आप चाहें तो साइड्स के बालों में फेडिंग भी करा सकते हैं एक क्लीन लुक के लिए। ये हेयर स्टाइल कैजुअली बहुत अच्छी लगती है। नंबर सेवेंथ क्रू कट विद फेड। सबसे एवरग्रीन हेयर स्टाइल है ये। इसमें आपके टॉप के बाल मीडियम लेंथ के और साइड्स के बाल आप फेडेड ही रखवाना, ताकि इसमें एक स्टाइलिश टच आ सके। अगर आप इसको और भी ज्यादा एजी बनाना चाहते हैं तो साइड्स और टॉप की जो बीच वाली पार्टिंग है उसमें आप एक प्रोमिनेंट कट लगवा लेना, इसको एक बैड बॉय वाइब देने के लिए। फाइनली वीडियो की बोनस टिप के कूलेस्ट ट्रेंड्स के लिए, फर्स्ट है कोई भी निटेड या फिर स्ट्राइप्ड अपर वेयर पहनो, फिर भले ही वो पोलो टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट या फिर कोई नॉर्मल और एप्पल कट टी शर्ट की हाइब्रिड भी हो सकती है, जो कि बहुत कूल और ट्रेंडी है। नंबर सेकंड थिक सोल्ड शूज। भले ही नॉर्मल स्नीकर्स हो, हाई टॉप्स हो या फिर बूट्स हो, उनमें चंकी बल्की सोल्स होंगी तो वो आपको एवरेज से कहीं ज्यादा स्टाइलिश और यूनिक दिखाएगा, जिसे आपको डेफिनेटली इस बार ट्राई करना चाहिए। एंड नंबर थर्ड पेस्टल कलर की क्यूबन कॉलर्ड शर्ट। समर सीजन के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट क्लोथिंग पीस है। आप चाहे तो क्यूबन कॉलर्स की जगह सिंपल कॉलर्स भी प्रेफर कर सकते हैं बट कलर्स लाइट या फिर पेस्टल कलर्स ही रखना और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट ही होनी चाहिए वो, जो कि आपको सुपर स्टाइलिश दिखाएगी। इन सारे क्लोथिंग पीसेस के बेस्ट पॉसिबल लिंक्स आप स्क्रीन पे बने हुए व्यू प्रोडक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं एंड मॉडल लाइक लुक्स अचीव करने के लिए स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।